बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद यूनाइटेड को जोरदार झटका। पॉल सटर ने वतन वापस रवाना हो गए, जाते जाते उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीते और साथ ही साथ पाक मुखालिफ के मुंह तोड़ दिए। जोरदार तमाचा दे मारा। मजीद तफसील में जाने से पहले सुलू को आखिर तक जरूर देखे, इस सुलू को लाइक करे और इस सुलू को शेयर करे। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग टीम को छोड़कर वतन वापस रवाना हो गए है। पीएसएल सीजन 7 के बाकी मैचेस के लिए पॉल स्टर्लिंग की जगह लियाम डाउसन इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे। पॉल स्टर्लिंग नेशनल ड्यूटी के बाद एचपीएल पीएसएल 7 का मजीद हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी जानिब पॉल स्टर्लिंग ने सामाजिक रابطے की वेबसाइट ट्विटर पर किए गए पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में एक बार फिर बहुत मजा आया, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से अच्छी मेहमान नवाजी की गई है। आयरलैंड के खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग ने अपने पैगाम में पीएसएल 7 के बाकी होने वाले मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पॉल स्टर्लिंग ने पीएसएल सीजन 7 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 5 मैचेस में 187 रन बनाए थे। उन्होंने 2 सेंचुरियां भी स्कोर की थी। पॉल स्टर्लिंग ने क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाफ 58, पिशावर जर्मी के खिलाफ 57, कराची किंग के खिलाफ 39, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 19 और लाहौर कलंदर के खिलाफ 14 रन बनाए थे। और यूँ जाते जाते उन्होंने दुनिया के नाम पैगाम छोड़ा कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है। और यकीनी तौर पर पॉल स्टर्लिंग ने जो कहा कि मुझे अफसोस रहेगा कि मैं बाकी मानदा पीएसएल के मैचेस नहीं खेल सका और इसका मुझे हमेशा दुख होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें।